हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परी ब्लॉग 786। आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वेज है, अक्खा मसूर का पुलाव है। ज़रूर आप ट्राई करना, यमी एंड टेस्टी रहता है और बहुत ही इजी है। अक्खे मसूर के पुलाव के लिए हमने 1.5 गिलास अक्खा मसूर लिए और इसको बॉईल करने रखे हैं। आप पहले से मतलब दो घंटा तो आप भिगो के रखेंगे तो जल्दी हो जाता है, लेकिन हम इसको भिगोए नहीं, डायरेक्ट इसको बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। 1.5 गिलास अक्खा मसूर लिए हैं और 2 गिलास हमने चावल लिए हैं। इसको थोड़ा 10 मिनट हम भिगने रखेंगे, अच्छे से वॉश करके 10 मिनट हम भिगने रखेंगे। यहाँ पे हमने लिए हैं 1.5 गिलास अक्खा मसूर और 2 गिलास चावल के लिए प्याज हमने लिए है। देखिए इसको छील के यहाँ पे पांच, ये कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्याज लिए हैं और उसी तरह के उतने ही टमाटर हमने लिए हैं मीडियम साइज के। ये देखिए हमने अक्खा मसूर के पुलाव के लिए कोथमीर और पुदीना लिए, छील के धो के रखे हैं। हमने 5-6 हरी मिर्ची लिए है और कोथमीर, और उसमें नमक डाल के हम दरदरा सा पीसेंगे इसे। आप टेस्ट के मुताबिक अपने मिर्ची लीजिए। कोथमीर और मिर्ची को हमने दरदरा पीसे, फिर उसमें भी दही मिला है, दही मिला के भी हमें इसे पीसना है। देखिए हम दही डाल के इसको थोड़ा सा पीसे है। अक्खा गरम मसाला लिए है, खड़ा मसाला, दालचीनी है, लौंग है, शाजीरा है, तेजपत्ता है, छोटी इलायची है और फूल है। चावल 10 मिनट हमने भिगो के रखे थे, अब इसे हम बॉईल करने रखेंगे। तो पहला थोड़ा ऑयल डालेंगे, तपेला गैस पे रख के थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होगा तो हम खड़े गर्म मसाले डालेंगे इसमें। खड़े गर्म मसाले 2 मिनट हम इसको हल्का सा भूनेंगे, फिर पानी डालेंगे इसमें। नमक डालेंगे हम, नमक टेस्ट के मुताबिक डालना है। वैसे भी हम बॉईल कर रहे हैं, बाद में भी हमें नमक डालना ही है। हम 2 गिलास चावल लिए हैं और थोड़ा भिगो के भी रखे ले हैं, तो उसके लिए हमने 4-5 गिलास पानी बॉईल करने के लिए लिए, ऐसे ढक के रखेंगे हम जोश आने के लिए। ये जोश आ रहा है तो अभी हम डालेंगे चावल जो भिगो के रखे हैं 10 मिनट के लिए। हमें इसे इतना पकाना है जो एक कनी बाकी रहे, जितना जैसे बिरयानी के लिए हम पकाते हैं, बस वैसे ही बॉईल करना है इसे। दाल बॉईल हो गई है, ये देखिए हमें चेक करके देखते हैं कि दाल हो गई है क्या। गरम बहुत है ये। चावल हो गए हैं, अभी इसे हम छानेंगे। इसमें तपेला रखे हैं मसाला तैयार करने के लिए, ऑयल डालेंगे। आप कितना खाना ऑयल पसंद करते हैं, ज़्यादा या कम, वो आप अपने हिसाब से लीजिए। इसमें हम घी डालेंगे, आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप खाते हैं, डालडा या असली घी, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि घी से क्या है कि पुलाव में, चावल में अच्छे से मतलब सॉफ्टनेस होता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। इसमें हम गरम मसाला, अक्खा खड़ा गरम मसाला डालेंगे। मसाला तैयार करने में फूल डाले हैं, दालचीनी, शाहजीरा, लौंग, ये भी फूल है, जावेत्री फूल बोलते हैं, इलायची, ग्रीन इलायची, आप चाहे तो बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, तेज पत्ता, ज्यादा नहीं, बस 2 छोटे से डालेंगे। जो हमने पीस के रखे कोथमीर, कुछ धनिया और हरी मिर्ची और दही डाल के पेस्ट, वो डालेंगे पहला। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच, मिक्स करेंगे इसे।
टमाटर को हमें इस तरह गोल काटना है। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। जो टमाटर हमने काट के रखे हैं गोल गोल वो डालेंगे। आप जरूर ट्राई करिए, ये बहुत ही यमी रहता है। इस तरीके से आप अगर अक्खा मसूर बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अक्खा मसूर नहीं खा रहे बल्कि बिरयानी खा रहे हैं। ये देखिए हम रेडीमेड गरम मसाला डाल रहे हैं पिसा हुआ, क्योंकि हम घर में जो पीसते हैं वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी रेडीमेड ही डाल रहे हैं। गरम मसाला भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, आप ज़्यादा गरम मसाला खाने पसंद करते हैं या कम, जो भी। ये थोड़ा सा हम बिरयानी मसाला डालेंगे इसमें, थोड़ा बिरयानी का टेस्ट लाने के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे। इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं होते। इसे हम ढक के रखेंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक का, और मसाला भी अच्छे से भुना जाए। देखते हैं मसाला। देखिए मसाला अच्छे से भुना गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हुए हैं और पानी भी सूख गया है। तेल देखिए ऊपर आ गया है, तो मतलब कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। थोड़ा सा हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे टेस्ट के मुताबिक, दो चम्मच डाले हैं। हम पिस्ता तैयार कर रहे हैं, ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है, उसमें जो चॉप करके प्याज रखे हैं। पिस्ते के लिए आपको पता है प्याज कितनी लाल करना है, बस हमें पिस्ता बनाना है इसका, तो अच्छे से हम इसे ब्राउनिश करेंगे प्याज को। देखिए पिस्ता होने आया है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है ये, अभी हम निकालेंगे इसे, फिर बाकी की जो प्याज है वो डालेंगे। प्याज को हमें मैश करना है। जो प्याज हमने मैश करके रखे हैं इसे इस मसाले में डालेंगे। तपले को तो हमने गैस से नीचे उतार चुके हैं, डाल के इसे मिक्स करेंगे। वो आलू लिए हैं बड़े साइज के, अगर आपको ज्यादा लेना है तो ज्यादा लीजिए, 3-4 ले सकते हैं, और इसको गोल गोल काटें और इसको नीचे हम बिछाएंगे। चावल का पानी निकाल के हम यहाँ रखे हैं, अभी वो हम इसमें डालेंगे। कैसा बिछोना है चावल नीचे ये मैं आपको बता रही हूँ। पहले आलू रखे हम गोल गोल काट के, फिर इसके ऊपर चावल डालेंगे आलू के ऊपर। ये जो हम नीचे आलू डाले थे ऊपर से चावल डाले थे, तो इसको गैस पे तपेला रख चुके हैं, अभी हम ऑयल डालेंगे इसमें। आप कितना ऑयल खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा ऑयल या कम, वो हिसाब से डालिए। अब जो मसाला हमने तैयार किए वो हम इसके ऊपर बिछाएंगे। पूरा मसाला हम इसमें चावल के ऊपर बिछाएंगे। अगर आप बॉईल अंडे करके भी इसके ऊपर रखना चाहें तो रख सकते हैं, जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। अभी जो अभी हम डालेंगे चावल इसके ऊपर, आधे नीचे बिछाए थे और आधे ऊपर।
छोड़ेंगे तो नीचे तवा रखेंगे और इसके ऊपर भी हमें गार्निश के लिए डालना है कोथमीर पुदीना बारीक चॉप करके। ऑयल, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ऑयल नहीं करना चाहते तो। हम इसके ऊपर बिरिस्ता डालेंगे, घी डालिए आप, हमने घी डाले, अभी थोड़ा पानी छिड़केंगे इसके ऊपर क्योंकि चावल थोड़े नरम होने के लिए सॉफ्ट, या तो आप दूध भी डाल सकते हैं इसमें। दम पे छोड़ देंगे, अभी हम इसको ढक के रखेंगे और इसके ऊपर हम पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालकर इसको दम पे छोड़ेंगे। आप चाहे तो पहला कपड़ा भी रख सकते हैं फिर ढक्कन भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ये अखा मसूर का पुलाव है तो मैंने खाली ढक्कन ही ढका है। अखे मसूर के साथ हमने ये सलाद बनाया है, ककड़ी, प्याज, टमाटर, कोथमीर, हरी मिर्ची और नमक काली मिर्ची डाल के इसमें दही डालेंगे। देखिए सलाद में दही मिला चुके हैं, दम पे हो गया क्या, क्योंकि मैंने दूसरी प्लेट रखी थी बराबर से दम नहीं हो रहा था तो उल्टी करके रखी थी। ये देखिए भाप पूरी ऊपर तक आई है और ये डन हो गया है, तो अभी हम निकालते हैं। ये नीचे जो आलू डाले थे बिरयानी की खुशबू आ रही है, जो वेज खाने खाने के शौकीन है उनके लिए तो ये पुलाव बहुत ही औसम है, जरूर ट्राई करिए आप। ये लीजिए रेडी है अखा मसूर पुलाव, यमी एंड टेस्टी। इसके सामने बिरयानी भी फैले। आपको ये रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआओं में खास याद रखिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फुल वीडियो वॉच करिए।